दोस्तों जब आप पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब की लाल बटन को एक ही बार दबाना है और बाजू के बेल पर एक ही बार क्लिक करना है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर का एनुअल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हर साल भर में जो बच्चे रेगुलर काम करते हैं प्रैक्टिकल वर्क जो होता है उसका डिस्प्ले होता है और ये डिस्प्ले के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी करते रहते हैं। साल भर में जितनी असाइनमेंट वो करते हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो पेंटिंग्स करते हैं अप्लाइड वाले अप्लाइड का काम करते हैं या बाकी ETD वाले टीचर ट्रेनिंग कोर्स का काम करते हैं, उनमें से सेलेक्टेड जो असाइनमेंट होती है जो बेस्ट है कि साल भर में जो उन्होंने की है उसका ये एग्जीबिशन होता है। इस एग्जीबिशन के लिए बच्चे फिर प्रिपरेशन करते हैं, साल भर की मेहनत में से कुछ सेलेक्टेड 3 या 4 असाइनमेंट हर बच्चे के सेलेक्ट की जाती है टीम के तरफ से या कमिटी जो होती है उनके क्लास टीचर और बाकी स्टूडेंट्स वो मिलकर वो सेलेक्ट करते हैं और उसका एग्जीबिशन यहाँ पर किया जाता है। हर चीज़ का आजकल ब्रांडिंग होता है, कला का भी आजकल ब्रांडिंग तो हर जगह है, तो उनको सेलिंग एबिलिटी भी डेवलप करनी होती है। एडवर्टाइजिंग अप्लाइड आर्ट्स जो है वो एडवर्टाइजिंग से डील करता है, ग्राफिक डिज़ाइन से डील करता है, तो ब्रांडिंग का जहाँ तक संबंध है उनको थोड़ा ज़्यादा मालूम होता है, उनका सिलेबस में उनका स्टडी है। जबकि पेंटिंग में थोड़ा सा इस बात पर यह होना चाहिए कि जो उनकी पेंटिंग्स हैं उनका सेलिंग के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए। इस एग्जीबिशन में आप काफ़ी क्रिएटिव टुडे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि इम्प्रेशन ऑफ आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हुए जो कि वैंगॉक से लेकर दाली तक और NS बेंद्रे तक, हुसैन तक, इन सबका एक सब्जेक्ट हमने इस फर्स्ट ईयर में दिया था जो कि आर्टिस्ट लोगों ने कैसे किस स्टाइल में काम किया था और उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या है। उस सब्जेक्ट को लेकर एक असाइनमेंट इनको हमने दी थी जो कि इस साल में सबसे अच्छी असाइनमेंट रही है, इम्प्रेशन ऑफ आर्टिस्ट। तो इस तरीके के क्रिएटिव थॉट्स हम लोग बच्चों को देते हैं ताकि अपना जो इतिहास था उसको वो दोहरा सके और उसको पढ़ के फिर नया क्रिएशन उससे कुछ कर सके। यही फर्स्ट ईयर में हमने इस साल फोकस किया था। सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स को पॉलिश किया जाता है वो फर्स्ट ईयर से डिफरेंट नहीं होते हैं, बट दोज आर द अपग्रेडेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स जो ग्रेजुअली उनको थर्ड ईयर तक लेके जाने का काम करते हैं और थर्ड ईयर में उनको इजी कर देते हैं। जो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट वो लोग हैंडलिंग में से सीखते हैं सब्जेक्ट के, वो थर्ड ईयर में जाकर दे कैन ईजिली
एप्लीकेट व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर सेकेंड ईयर. सो बेसिकली सेकेंड ईयर एक ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है फर्स्ट ईयर का बेसिक और थर्ड ईयर का प्रोफेशनल लेवल के बीच का ब्रिज है. तृतीय वर्ष रंगकला में पिक्टोरियल कंपोजिशन और ड्राइंग स्टूडियो के बहुत सारे कलाकृतियाँ यहाँ पर हर एक विद्यार्थियों की प्रदर्शित की गई है. मेरे पीछे जो है वो पिक्टोरियल कंपोजिशंस की कलाकृति में विविध प्रयोग जो यहाँ के विद्यार्थी करते हैं, रंगों के बारे में, विषयों के बारे में, उनकी अपनी स्टाइल इस कलाकृति में आपको दिखाई देगी. उसी के साथ साथ यहाँ पर एक जो जिस इंस्टॉलेशन पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक प्रसिद्ध चित्रकार हेनरी मातिस की एक कलाकृति है रेड स्टूडियो करके. उसी स्टूडियो को हमने थ्री डायमेंशनल फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले किया है. पेंटिंग फ्रॉम लाइफ में मुझे अवार्ड लगा है हमारे कॉलेज के एग्जीबिशन में. मुझे पोर्ट्रेट पेंटिंग फ्रॉम लाइफ सब्जेक्ट बहुत पसंद है. इसमें काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ये वर्क मैंने जब उतारा तो थोड़ा सा मुझे साइज छोटी दिया रहता है, इसमें साइज में थोड़ा इनलार्ज किया और साइज को उसमें बनाया. तो और ये वर्क मैंने इसमें नासिक में भी भेजा था जहाँ पर मुझे स्टेट आर्ट में भी इसका सिलेक्शन हुआ है और आज मेरा खुद का कॉलेज में इसका एग्जीबिशन चल रहा है वहाँ पर मुझे ये अवार्ड मिला. और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने आज 3 से 4 साल में जो तजुर्बा लिया है कलर के, कलर कंपोजिशन, डेंसिटी, वाइब्रेशन या कंपोजिशन, सर जो भी नॉलेज थर्ड ईयर तक लिया है उसका सारा निचोड़ फाइनल ईयर के पेंटिंग में आपको देखने को मिलता है. पर्टिकुलरली फाइनल में आने का सबसे बड़ा चेंज होता है साइज बढ़ जाती है, 2.5x3 हो जाती है. दूसरा एक होता है कि एक्रेलिक ऑयल और मिक्स मीडिया, ये तीनों तरह के मीडिया, तो उनमें जो जो भी पॉसिबिलिटी है मीडियम के हिसाब से उनकी जो जो पॉसिबिलिटी है सारी चेक की जाती है. फाइनल ईयर में आने के बाद बच्चे अपना एक खुद का अपना फॉर्म ढूंढते हैं, एक खुद की आइडेंटिटी ढूंढते हैं, खुद का एक खुद के लिए जो जो अभी तक का किया है उसका एक पड़ाव वो ढूंढते हैं और उस तरह से काम करने का उनका काम की प्रोसेस शुरू हो जाती है. मुझे इस पेंटिंग पे फर्स्ट अवार्ड मिला है. इस पेंटिंग में मैंने ये दिखाया कि मेरे एक दिन की मेमोरी है जब मैं पुणे में फर्स्ट टाइम न्यूड कैंप के लिए गया था, तब मैं कैसा फील किया, तो उस तरीका का वातावरण में एटमॉस्फेयर मैंने दिखाया है जिसमें मैंने एक गोल्डन न्यूड दिखाया जो मैंने उस वक्त देखी, वही फील मैंने इसमें लाया. इसमें मैंने इस पेंटिंग में जैक्स फ्रांसिस बेकन नाम का एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर मैंने इस पेंटिंग को इस तरह का टेक्स्चर वगैरह दे के पेंट किया है. मेरे पोर्ट्रेट पेंटिंग को गवर्नमेंट का थर्ड अवार्ड मिला है. मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है उसी में मुझे अवार्ड मिला है. गफार सर का बहुत सारा मार्गदर्शन मिला है इस सब्जेक्ट में हमें. बट यहाँ मैं पिछले 2-3 साल से आ रहा हूँ और यहाँ का जो आर्ट वर्क देखता हूँ मैं और उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उस आर्ट से निकलते हुए आर्टिस्ट के जो एक्सप्रेशंस है वो एकदम कभी कभी हिट कर जाते हैं. लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, कई बार समझता भी नहीं है, मतलब उतनी मुझे जानकारी नहीं है आर्ट की, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें देख के एकदम कहीं छू जाती है. और इस डिपार्टमेंट में मुझे स्टिल लाइफ इस सब्जेक्ट पे प्रथम पारितोषिक मिला है. इसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ
मेरे क्लास टीचर श्री नाइसे सर और मैं हमारे साइली मैम, उन्होंने मुझे इस पारितोषिक लेने में बहुत मदद की। कॉलेज का एग्जीबिशन यदि मुझसे पूछा जाए उसका रिव्यू, तो तब और अब में काफ़ी फ़र्क है एक्चुअली। व्यूज़, आइडियाज़, जो एक्सप्रेशंस हैं वो काफ़ी सुंदर हुए हैं। अमूल मिल्क के लिए, ये जो मेरे पीछे शायद आप लोग दिख रहा होगा, उसके पैकेजिंग के लिए, उस बैग के पैकेजिंग के लिए भी हमने एक टास्क दिया था। वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों ने उसका हैंडल किया है। तो ये काफ़ी मीडिया का जो इंट्रोडक्शन होता है अप्लाइड आर्ट में, जो भी है उनको आगे मीडिया हैंडल करनी है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही सेकेंड ईयर में होता है और उसको लेके ही बच्चे ये आगे बढ़ते हैं। मेरे कुछ असाइनमेंट पे जो अवार्ड लगे हैं, जिसमें से ए असाइनमेंट है, इसमें बेस्ट स्टूडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड कितना मिला है, और ये जो असाइनमेंट है इसको स्टेट आर्ट का अवार्ड मिला है, जो मेरे लिए एक गौरव की बात है। थर्ड ईयर में ये सब लड़के अपना काम कंप्यूटर ग्राफिक्स में करते हैं, और थर्ड ईयर में इनको मिनी कैंपेन दिया जाता है, जो एक प्रोडक्ट को कैसा, उसका जाहिरात मुहिम कैसे, किस तरीके से किया जाएगा, और कुछ लिमिटेड मीडिया रहती है, कम मीडिया में ही उनको थर्ड ईयर में काम करना होता है। वो अपना अपना स्पेशलाइजेशन यूज़ करके थर्ड ईयर में एक मिनी कैंपेन बनाते हैं और उसी का ही प्रेजेंटेशन होता है। और इसमें मेरा कैंपेन का सब्जेक्ट रेडबुल एनर्जी ड्रिंक है। तो इसमें मैंने पहले मैगजीन की टीजर एड दिखाई है, और उसमें मतलब जो अनबिलीवली बिलीवेबल, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो भी रेडबुल पीने से पॉसिबल हो सकता है, ऐसे बताया है। मेरा सब्जेक्ट है ब्लू इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ब्लू ये एक अमेरिकन ब्रांड है, मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने ही किया है। और इसका रीज़न, टॉपिक सिलेक्ट करने का रीज़न यही कि आजकल हम देखते हैं कि स्मोकिंग बहुत हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बुरा असर हो रहा है स्मोकिंग का। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिससे ना हमें कैंसर होता है, इसमें स्मोकिंग मतलब ऐश नहीं है, स्मोक नहीं होता है, ओनली वेपर रहता है। तो यही मैसेज देना था लोगों को। मेरा सब्जेक्ट है बिस्लरी, और ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का पर्पज़ ये है कि बिस्लरी हर जगह फेमस है, और मतलब ये विद इन रीच है। और मेरा यूएसपी ये, इसका यूएसपी ये है कि यह जहाँ पर भी मिलते हैं उसके रीजनल लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, और मैंने ये कैंपेन भी उसी को सिलेक्ट करके लिया है। फाइनल ईयर अप्लाइड आर्ट में बच्चे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाते हैं, जिसमें इलेक्टिव कोई सब्जेक्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन एंड टाइपोग्राफी। इस साल बच्चों ने कुछ नया मीडिया सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल टेलीविजन आर्ट्स, मोबाइल आर्ट्स, जिसकी अभी बाहर जाके बच्चों को ज़रूरत है। नियर अबाउट सब बच्चों ने बहुत अच्छे कैंपेन्स किए, इसका सब क्रेडिट मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे एफर्ट्स उनके पीछे डाला है, आई थिंक बच्चों को, सब बच्चों में स्पार्क है, अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये मैंने हितवाद पे कैंपेन बनाया है, और मेरा कंसेप्ट ये था कि हितवाद ये सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, जब इसका बॉर्न 1911 में हुआ था तब से ये चल रहा है, और सबसे पुराना होके हुए भी सबसे मतलब सत्यवादी जो है ये वो न्यूज़पेपर, इसलिए मैंने ये न्यूज़पेपर सिलेक्ट किया अब मेरे कैंपेन के लिए।
मेरा कैंपेन का सब्जेक्ट है सोसाइटी टी, बाकी चाय की जो प्रोडक्ट्स है उनमें ब्लू कलर या रेड कलर ऐसे कलर्स नहीं लिए जाते हैं, उनमें ग्रीन कलर एनवायरमेंट की तरफ जाने वाले कलर्स लिए जाते हैं, बट सोसाइटी टी ने ब्लू कलर लेके आउट ऑफ द वे जाके काम किया है। उनका वर्क 80% थोड़ा सा सोशली कैंपेन रहता है, तो उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपने कैंपेन में थोड़ा सोशली फील दिया है और ब्लू कलर जो उनका है उसका यूज़ किया है पूरे कैंपेन में। और मेरा सब्जेक्ट है बागबारे मसाले, जो स्पेशली नागपुर का ही है। और अभी तक जो जितने भी एड्स हैं उनके वो कोई एक्ट्रेस लेके थे और स्पेशली टीवी से थी, और मेरा एम यही था कि हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड पे जो भी फूड मिलता है और जो खाने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं वर्ड्स में स्पेशली, मैं उनको लेके कुछ टाइपोग्राफी में प्रेजेंट कर सकूँ। और मैंने वही प्रेजेंट करने का यहाँ पे प्रयास किया है। ऐसे एग्जीबिशन की वजह से बच्चों को एक ये समझ में आ जाता है कि एक एग्जीबिशन करने की प्रक्रिया किस तरीके की होती है, कि एग्जीबिशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कि काम किस ढंग से किया जाए, फ्रेमिंग किस ढंग से की जाए, प्रेजेंटेशन किस ढंग से किया जाए, या उसको डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से किया जाए, ताकि आने वाले जो प्रेक्षक है आने वाले प्रेक्षक को उसका आस्वाद लिया जाए और अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता आना चाहिए।